आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मीडिया बल इंडिया का सीरीज में आज चौथा क्लास है। फोर्थ क्लास में हम आज खिलजी डायनेस्टी के बारे में जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड और मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे। आप सभी के सामने जो कि अभी मैप दिख रहा है उसमें से ये जो बैकग्राउंड है देख रहा होगा, ये जो कलर बैकग्राउंड में मार्क कर रहा हूं, ये डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी का जो भी रूलिंग पीरियड था इस टाइम का उनका मैप है। दोस्तों, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1320 तक हुआ था। उनसे पहले जो दिल्ली पर राज किए थे पहला डायनेस्टी था जो कि स्लेव डायनेस्टी, उनमें से चार इंपोर्टेंट रूलर्स के बारे में लास्ट क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर जल्दी से चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत कैसे हुआ था, इंपोर्टेंट रूलर्स कौन थे, कितने अच्छे मोनूमेंट्स थे जो कि आपको एग्जाम में पूछने वाला है, उस सभी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में चार ऐसे सुल्तान थे लेकिन उनमें से एक इम्पोर्टेंट सुल्तान है जिसका टोटल इनका 30 ईयर्स सर्कल में 30 ईयर्स रूलिंग पीरियड में उसका ही 20 ईयर्स रूलिंग पीरियड हो गया था। नाम है अलाउद्दीन खिलजी। आप सभी पद्मावत का तो फिल्म देखे होंगे, ठीक है। पद्मावत का फिल्म अलाउद्दीन खिलजी का क्या लगता है, इस दुनिया के हर एक नयाब चीज़ में अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, ठीक है। दोस्तों, आज उस शख्सियत अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे जिसका टाइम पीरियड 1296 से लेकर 1316 तक टाइम पीरियड। उनसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जो खिलजी डायनेस्टी था उसका फाउंडर जो बोल सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी, एंड जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के मामा और उनके फादर इन लॉ भी लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1296, टोटल 6 ईयर्स का उनका रूलिंग पीरियड था, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ही रूल्ड ओवर इंडिया ओनली फॉर 6 ईयर्स। हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे जो कि खिलजी डायनेस्टी का शान बढ़ाए और उनके टोटल 30 साल के टाइम पीरियड में उनका ही रूलिंग पीरियड 20 साल रह गया था। चलिए जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले ही मैं आपको कुछ इंट्रो देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भांजे और उनके जामाता थे। ही वॉज द सन इन लॉ एंड नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। फर्स्ट पॉइंट, 1296 में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी को मार के, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को मार कर अलाउद्दीन खिलजी अपने राज सिंहासन पर विराजित हुए थे। और उनके कार्यभार में, उनके कार्य समय में, शासन समय 20 साल में वो चार प्रशासनिक चेंजेस आए थे जिसका पहला है, अगर कोई मतलब अपने रिलीजियस पर्पस में लैंड फ्री में रेंट देते थे, यहाँ पे पहला फॉर्म आ जाते हैं फ्री ग्रांट ऑफ लैंड रिलेटेड टू रिलीजियस पर्पस। सेकंड, रीऑर्गेनाइज इन स्पाई सिस्टम, जो कि हम स्लेव डायनेस्टी में गियासुद्दीन बलबन जो कि स्पाइड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे, ये रीऑर्गेनाइज रीइंट्रोड्यूस किए अलाउद्दीन खिलजी फिर से अपने रूलिंग टाइम पर, रूलिंग पीरियड में। प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन, शराब को बहुत ही नीचा दिखा गया उनके पीरियड पे। शराब उनका राज्य में बैन था। एंड फोर्थ, नोबल शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड दे शुड नॉट इंटरकास्ट और रिलीजियस मैरिज विदाउट द किंग्स परमिशन। राजा के बिना, सुल्तान के बिना परमिशन पर कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिफॉर्मेशन था उनके टाइम पर, ठीक है। इंपोर्टेंट फॉर्म में आप सभी को क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितना अलाउद्दीन खिलजी अपने टाइम पीरियड पे कितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे, उनका नाम भी आ सकता है। ये सब चीज़ों का आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक है। याद करिए कि कोई भी रिलीजियस पर्पस के लिए उन्होंने लैंड ग्रांट किए थे फ्री में, ठीक है, और स्पाइस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किए थे, रीइंट्रोड्यूस किए थे। वाइन का प्रोविज़न था, मतलब वाइन का बैन था, प्रोहिबिटेड था। और आप बिना सुल्तान के परमिशन के खिलाफ आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते थे, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद तीनों मार्केट को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। दिल्ली में तीन तरह के मार्केट था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी डिफ्रेंशिएट किए थे। पहले मार्केट में जो कि फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, ये सब चीज़ों का आप अवेलेबल पा सकते थे। दूसरे मार्केट पे कॉस्टली क्लॉथेस, बहुत ही बोल सकते हैं हाई लेवल के
क्लॉथेस आपको मिलता था, और तीसरे में स्लेव्स हॉर्स एंड कैटल, जो कि इंसान को खरीदते थे लोग, इंसान को बेचते थे, इंसान को खरीदते थे, उस तरह का मंडी था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि तीनों मार्केट को इंट्रोड्यूस किए थे, पहले मार्केट में जो कि खाने का सामान बेचते थे, दूसरे में बहुत ही लाजवाब और उच्च किस्म के क्लोथ्स कपड़े खरीदना मतलब व्यवसाय होता था, बिजनेस होता था, और तीसरे में इंसान मतलब स्लेब्स जो बोल सकते, स्लेब तो हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी के स्लेब जो लाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्लेब डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किए थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, उसी हिसाब से स्लेब्स हॉर्स एंड कैटल्स खरीदा जाता था और बेचा जाता था। ठीक है, तो क्या क्या सीखे कि चार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक रिफॉर्म किए थे और तीन मार्केट को इंट्रोड्यूस किए थे, और साथ ही साथ एक जो कि आप बोल सकते हो कि पूरा मार्केट को कंट्रोल करते थे, पूरा मार्केट को कंट्रोल करते थे सहाना एक पोजीशन इंट्रोड्यूस किए थे। ईच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कॉल्ड सहाना पोजीशन था हु मेंटेन्ड ए रजिस्टर ऑफ द मर्चेंट एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल द शॉपकीपर्स एंड द प्राइस। उनके मार्केट में सारे प्राइस, कितने दुकान है, दुकान किस भाव से कि दर दाम से बेचा जाएगा कोई भी चीज़, सभी को कंट्रोल किया जाता था। एक पोजीशन था उनका था सहाना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे अपने 20 साल के राजत्व में उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस किए थे अपने दिल्ली में। ठीक है, अपने कैपिटल्स में द चेक ऑन मार्केट वॉज केप्ट बाय टू ऑफिसर्स। ठीक है, तो उनका जो मार्केट था, मार्केट में दो ऑफिसर का दबदबा था और दो पोजीशन ऐसे थे जो कि था, पहला दीवानी रियासत, पहला, दूसरा था सहाना ई मंद, सहाना ई मंद। ठीक है, तो सहाना ई मंद जो कि पूरा मार्केट को कैप्चर करता था, मैक्चर का मार्केट का प्राइस, स्टॉक्स कितना होगा, कितने रुपये में बेचा जाएगा चीज़ों का, कितना स्टॉक्स आता था, कितना स्टॉक जाता, सारा हिसाब किसाब रखते थे। और दीवाने रियासत जो टैक्सेस था वो सभी को कैसे आता है, कितना रुपया टैक्स लगेगा, ये सब चीज़ों का देख रेख करते थे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मार्केट जो एक था, एक कॉमन मार्केट था जिसमें सारा चीज़ बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उस सब चीज़ों का क्या था, सारा ई अतल, ये चीज़ों का उनका जो कॉमन मार्केट था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ों तो अपने पॉलिटिकल करियर में, अपने राजत्व के टाइमिंग पे, अपने राज्य में क्या क्या चेंजेस किए थे, उनके बाद जो कि उनका अटैक था। ठीक है, उनका अगले और किसी बहुत सारे राज्यों के खिलाफ जो अपना जंग था, जंग छेड़े थे, उस सभी के बारे में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर द फॉलोइंग प्लेसेस 1928 में गुजरात, 1301 में रथम्बर जो कि राजस्थान है, 1303 द मेवार जो कि राजा रतन सिंह, आप सभी को पता होगा जो कि मैं पहले बोला था, इस दुनिया के सारे नयाब चीज़ के ऊपर किसका नाम है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, जो कि राजा रतन सिंह जो कि पद्मावत में आप देखे होंगे। ठीक है, राजा रतन सिंह ये चीज़ों का, ये जो मेवाड़ के राजा थे, राजस्थान के राजपूत थे। ठीक है, वो फिल्मों में तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद 1305 में मलवा मध्य प्रदेश, 1311 में जलोर जो कि राजस्थान में। ठीक है, ये था उनका जो भी कैप्चर था, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेसेस को, जो कि उनमें से एक चीज़ और बहुत ही फिल्माया गया था कि पद्मावत। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद मलिक काफूर जो कि मोहम्मद बिन अल्लाह उस माफ़ करेगा अलाउद्दीन खिलजी के चीफ जनरल थे, ही वॉज द प्रोमिनेंट स्लेब एंड दिल्ली रूलर अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो नोन एज तेजुद्दीन इजा अल दवाल। मतलब आप बोल सकते हो मलिक काफूर अपने अलाउद्दीन खिलजी के जो भी मिलिट्री थे, मिलिट्री के जनरल्स थे। ठीक है, और मलिक काफूर बहुत ही सारे बोल सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे, तो इसलिए बहुत ही और भी ऐसे प्लेसेस हैं जिनको मलिक काफूर ने अपने खुद के दम पर आर्मी को लीड करके जीते थे, उनमें से लिस्ट भी इधर ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूँ। रामचंद्र जो कि यादव रूलर ऑफ देवगिरी थे, प्रताप रुद्रदेव काकतिया रूलर ऑफ वारंगल, बीरबल्लभ थर्ड बीरबल्लभ होयसाला रूलर ऑफ द्वारा समुद्र एंड वीर पांड्या द पांड्या रूलर ऑफ मदुराई। ठीक है, ये जो आप बोल सकते गुजरात रामथर मेवार मलवा जोर ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, और उनके जनरल चीफ जनरल, ठीक है, जो कि मलिक काफूर उनके स्लेब, उन्होंने ये सब चीज़ों को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी को
भेज दिए थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी के चीफ जनरल थे, ठीक है सेनापति थे, इसलिए इन्होंने ये सब राज्य जीत कर अपने महाराजा को खुश किए थे। और अलाउद्दीन का कुछ स्कीम्स थे, ठीक है आप सभी को मैं बता था कि जितने भी राज्य जितने भी वंश दिल्ली में राज करते हैं उनमें से एक ही लोधी जो कि अफगानी है, बाकी सब तुर्किस हैं। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट तुर्किस रूलर जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजियस को अलग कर दिए थे। ये अलग है ये अलग है, मतलब रिलीजियस और पॉलिटिक्स में कोई भी अंतर कोई भी मिक्स नहीं था, रिलीजियस अलग से है और पॉलिटिक्स अलग से था। ठीक है ही प्रोक्लेम किंगशिप, ये बहुत ही एक अच्छा बहुत ही बढ़िया काम किए थे, किंगशिप नोज नो किंगशिप। ठीक है राजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी थे ये स्कीम को लॉन्च किए थे। ठीक है उन्होंने का उनका मानना था ये चीज़ जो फॉलो करेगा वही राजा सबसे बेस्ट हो सकता है, वही राजा कह लेने का हम राजा बोलने का हक होता है। किंगशिप नोज नो किंगशिप मतलब किंगशिप मतलब राजा या सुल्तान, किंगशिप मतलब ब्लड रिलेशंस। आप मान लो आप अगर राजा आप भाई बहन पोता पोती जो भी आप सभी का जो ट्रेंडिंग चलता ना मेरे बाद मेरा बेटा उसके बाद उसका बेटा वो सब चीज़ों को वो इग्नोर करते थे, तो बोलते थे कि वही असली राजा है जो भेदभाव ना करे, जो असली हकदार होता है उनके बाद राजा होने का उसको ही राजगद्दी पर बिठाया जाए। ये एक ही बहुत ही बढ़िया स्कीम वो लॉन्च किए थे, किंगशिप नोन नो किंगशिप। ठीक है उसके बाद ये ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड चेहरा रिस्पेक्टिव रोल ऑफ शोल्डर सिस्टम लाइक आधार कार्ड। अब बोल सकते हो जो कि अभी आप सभी का हमारा जो आधार कार्ड है पहचान पत्र बोल सकते हो, बहुत ही इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप कहीं प्लेस पे जा रहे हो आपको पास अगर आधार कार्ड देना आपका वो आईडी प्रूफ हो जाता है, आप इंडियन सिटीजनशिप हो आपका नाम ये है आपका पिता का नाम आप ये प्लेस से बिलोंग्स करते हो ये सब जो बोल सकते हो आधार कार्ड अभी लंच हुआ, लेकिन अभी आप 1290 में ठीक है मतलब सॉरी माफ़ करें 1296 में ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था क्या चेहरा। ठीक है जिसमें से उनके आर्मी में जो भी सोल्जर्स थे ठीक है उनका प्रस्पेक्टिव्स उनका वर्किंग सिस्टम कौन से लेवल से वर्क करते हैं ठीक है उनका कितना कौन से काम है उनका वो सब चीज़ सेपरेट कर दिए थे। और दाग सिस्टम ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स मतलब अपने सेना में अपने सैन्य में जितने भी हॉर्सेस है जो कि क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला कि जो चार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे स्पाई सिस्टम यासुद्दीन बलबन ने स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये जो दाग और चेहरा ठीक है दाग और चेहरा उस टाइम पे तो कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था कि आप अपना सीटी स्कैन आप फिंगरप्रिंट स्कैन करवा सकते हो, लेकिन उसीलिए दुश्मन सेना का कोई भी सैनिक दुश्मन सेना का कोई भी घोड़ा कोई भी हर्ष अपने सेना में घुसना जाए ठीक है अंदर को खोखला ना करते उसी इसलिए इन्होंने चेहरा और दाग प्रथा को इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है ये सब चीज़ों को आप क्या मानते हो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी था प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा। और उसके बाद अलाउद्दीन ऑर्डर्ड दैट ऑल द लैंड वाज टू बी मेजर्ड एंड देन द शेयर ऑफ स्टेट वाज टू बी फिक्स जो कि मैं आपको पहले दिखाया जो कि उनका जो रूलिंग पीरियड में जो भी उनका एरिया था। ठीक है दोस्तों ये एरिया में आप सभी को जो कि रेड स्पॉटेड है ठीक है राजपूत मुल्तान सतलेज ये सब चीज़ें ग्वालियर ये सब चीज़ों का जो कि इधर देख रहे हो मेजर सिटीज़ था उनका मानना था अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि राज्य का हर स्टेट में ठीक है हर स्टेट में जो कि मेजरमेंट होके उनका जो लैंड मेजरमेंट होके उनको टैक्स फिक्स किया जाएगा। देन उनके बाद मुश्ताका राज वाज द पोस्ट स्पेशल ऑफिसर वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू पूरे राज्य का जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा इसलिए एक पोस्ट जारी किए थे मुश्ताका राज याद रखिए नोट्स कर दीजिए ठीक है मुश्ताका राज द पेजेंट पे देयर लैंड रेवेन्यू फॉर देयर प्रोडक्शन ठीक है तो जो भी लैंड रेवेन्यू होता था उसको कलेक्शन करना
उनका काम था। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का तरफ अगर रुख करेंगे, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में आपको अलाई दरवाज़ा, द एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है, हजन सुतन द प्लेस ऑफ थाउजेंड पिलर, ये अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, अलाई फोर्ट जो कि राजस्थान में, ये तीनों चीज़ों का आप मोनूमेंट्स बोल सकते हो अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। देन ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोनेट सपोर्ट ऑफ आर्ट एंड लिविंग इन हिज किंगडम्स, ठीक है। अमीर खुसरू जो कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में बेस्ट पोइट थे, द पोइट ऑफ एंड म्यूजिशियन वाज अलाउद्दीन खिलजी फेवरेट कोर्ट पोइट। 1316 आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन मलिक काफूर कॉल्ड हजार दिनारी सीज ऑफ थ्रोन, ठीक है, हजारी दिनारी हम बोल सकते हैं। जब 1316 में 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का मौत हो गया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनके चीफ जनरल, आर्मी चीफ जनरल जो कि आपका मलिक काफूर थे, उन्होंने राज किए और उन उसके डेथ के बाद हजारी दिनारी उनका नाम रख दिया गया, जो कि सीज ऑफ थ्रोन उनका नाम रख दिया गया। बिफोर काफूर डाइड, मलिक काफूर मरने से पहले ही नॉमिनेटेड शिहाबुद्दीन हु इज द अलाउद्दीन खिलजी सिक्स ईयर ओल्ड प्रिंस वाज किंग बट इम्प्रेसेंट द एल्डर प्रिंस मुबारक खान, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी मरने के बाद मलिक काफूर अपने थोन राजगद्दी संभाले, और मलिक काफूर मरने से पहले अलाउद्दीन खिलजी का छः साल का बेटा उनको राज सिंहासन में राजा घोषित करके मर गए, और अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा जो कि मुबारक खान ने उनको बंदी बना दिए थे, ठीक है। मलिक काफूर वॉज किल्ड बाई द लॉयलिस्ट ऑफ ए रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के ही रॉयल फैमिली से ही किसी ने मलिक काफूर को मार दिए थे, ठीक है। और मलिक काफूर के बाद वहाँ से ख़त्म होता अलाउद्दीन खिलजी का एरा, जो कि 20 साल का जो शासन था वो ख़त्म होता था। उसके बाद आता है मुबारक खान, मैं पहले ही बोला आपको मुबारक खान कौन था, मुबारक खान जो कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन थे, बेटे थे, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। बिफोर मलिक काफूर डाइड ही नॉमिनेटेड शिहाबुद्दीन अलाउद्दीन सिक्स ईयर्स ओल्ड प्रिंस एज किंग बट इम्प्रिजनेड द एल्डर प्रिंस मुबारक खान, ठीक है। नेक्स्ट किंग है हमारा मुबारक खान जो कि ये बहुत ही अलग ही किस्म के राजा थे, ठीक है, बहुत ही मजाकी किस्म के राजा थे। नेक्ड इन दीवार समटाइम यूज टू वेयर वुमेन ड्रेसेस, ये जो राजा थे एक्सक्यूज मी मुबारक खान, उनका टाइम पीरियड 1316 से लेकर 1320 तक, 4 साल का उनका टाइम पीरियड था। ये कुछ अलग ही किस्म के राजा थे जो कि औरत के कपड़े कभी पहनते थे और दरबार पे नेकेड घूमते थे। तो ऐसे कोई अगर राज करेगा तो सभी उसको मजाक किया और उसको कोई मानेगा ही नहीं। आफ्टर डेथ ऑफ मलिक काफूर मुबारक खान वॉज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन वर्क एज अ रीजेंट फॉर शिहाबुद्दीन के कार्य राजा, ठीक है, क्योंकि शिहाबुद्दीन तभी 6 साल के थे, तो इसीलिए कार्य संभालने के लिए कार्य राजा जो बोलते हैं, राजा का उम्र नहीं हुआ था लेकिन उसके राजा घोषित किया उसको हेल्प करने के लिए, जो कि मुबारक खान राजा हुए थे। ही कैप्चर द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही गॉट बट कुड नॉट रूल ओनली फॉर ए ईयर एज ही सैंक इन टू द डिबेचुरी एंड कुड नॉट गिव अस द डिसिपेटेड लाइफ स्टाइल। मुबारक हसन और खुसरू खान एक ही है, मुबारक हसन जो खुसरू खान एक ही है, किल मुबारक खान, जो कि मुबारक खान को किसने मारा, खुसरू खान ने, ठीक है दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट किंग है आपका खुसरू खान, ही वॉज किल्ड बाई गाजी खान गवर्नर ऑफ दीपालपुर। द डेथ ऑफ खुसरू खान बॉट द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही छोटा बोल सकते हो डायनेस्टी था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, जो कि खिलजी डायनेस्टी आप सभी को कब से स्टार्ट होता है, 1290 से लेकर 1320, टोटल 30 साल का उम्र में, मतलब 30 साल का टाइम पीरियड में 20 साल अलाउद्दीन खिलजी का ही चले जाता है, बाकी 10 साल में खुसरू खान, जलालुद्दीन खिलजी, ये सब चीज़ों का होता है। बहुत ही छोटा था
तो 1320 से लेकर 1320 में और एक डायनेस्टी का शुरुआत हुआ जो कि आपका तुगलक डायनेस्टी था। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिए कि खुसरू खान ने मारा था, ये सब चीज़ों को मैं आपको फिर से लिंक करवा दे रहा हूँ। देखो खुसरू खान ने मारे किसको, मुबारक खान को। मुबारक खान को कौन मारा, ठीक है, मुबारक खान को मारा है खुसरू खान ने, और खुसरू खान को किसने मारा, गाजी खान जो कि गवर्नर ऑफ दीपालपुर के गवर्नर थे। ठीक है, मुबारक खान को मारे खुसरू खान ने, खुसरू खान को मारा गाजी खान ने। ठीक है, ये चीज़ों का लिंक को याद रखिए। और गाजी खान खुसरू खान को मारने के बाद खुद को तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर घोषित कर दिया, और तभी से स्टार्ट होता है तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर। यहाँ पे आप हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बोल सकते हैं हम पढ़ा हुआ अनपढ़। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। तो यहाँ से ख़त्म होता है आपका खिलजी डायनेस्टी, अभी तक हम स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, नेक्स्ट पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्लास को देखिए, आपको अगर पसंद आ रहा है आप सभी अपने दोस्तों के साथ एक शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, जय हिंद।